आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है क्लीन एनर्जी, और क्लीन एनर्जी देने के लिए ये एक सुइटेबल डिवाइस है। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि पावर बहुत कम मिलता है किसी एक सोलर सेल से, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सोलर सेल अगर यूज किए जाएं तो एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें इस डिवाइस से मिल सकती है, यानी करंट फ्लो हमें मिल सकता है। तो ये भी एक डिवाइस है जिसको हम लोग बिना बायसिंग के, यानी हम वोल्टेज जीरो रखें तो भी सर्किट से करंट ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि हम लोग एक लो डोप्ड एन टाइप थिन लेयर यूज करते हैं जिसको हम लोग लाइट फॉल करने के लिए एक्सपोज कर देते हैं। जल्दी हम लोग जो कनेक्शन करते हैं एन टाइप का, वो बहुत पतले मेटल कॉन्टैक्ट से करते हैं, और पी टाइप का जो कनेक्शन होता है वो एक मोटे मेटलिक कॉन्टैक्ट से होता है। जैसे ही लाइट डेप्लीशन रीजन में पहुंचेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एन साइड और होल पी साइड पुल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से एक ड्रिफ्ट करंट, आई ड्रिफ्ट यानी एक रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इस डिवाइस में। नो डाउट ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। तो मैंने कहा यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज जीरो है, क्या अगर मैं यहाँ कहूँ कि करंट का फ्लो सही डायरेक्शन में हो रहा है, तो जवाब है करंट का फ्लो, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग ग्राफ नीचे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग करंट जैसा है। ड्रिफ्ट करंट हमेशा नीचे ड्रॉ किया जाता है, डायोड कैरेक्टरिस्टिक के टाइम से हम लोग ड्रिफ्ट करंट हमेशा नीचे ड्रॉ करते आए हैं। अच्छी बात यह है कि यहां हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, फिर भी अगर मैं एक रजिस्टर लगा के यहां पे वोल्टा मीटर यूज करके इस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने की कोशिश करूंगा, तो यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव मिलेगा, यानी उस डिवाइस को पी साइड पॉजिटिव और एन साइड निगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि करंट इस सेंस में फ्लो कर रहा है। तो जिस सेंस से जहां की तरफ फ्लो करता है, जहां से फ्लो करना स्टार्ट करता है वहां पॉजिटिव होता है, और जिस तरफ फ्लो कर रहा होता है वहां निगेटिव होता है। यानी कुल मिला के वोल्टेज पी साइड पॉजिटिव और एन साइड निगेटिव हम कह सकते हैं, इसलिए ग्राफ वोल्टेज में पॉजिटिव साइड है और करंट में निगेटिव साइड है। ऐसा एक पीएन जंक्शन डायोड जो इस डिवाइस को, किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को करंट सप्लाई कर सकता है, हम कह सकते हैं ये करंट हमारे किसी काम का आ सकता है। एक तरह से हमने बिना किसी इनपुट के बाहर की लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया है, यानी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोर्स कह सकते हैं। हालांकि ये करंट बहुत कम है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डिवाइस जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ही किसी प्रैक्टिकल पर्पज को वो अंजाम दे पाएगा, यानी किसी प्रैक्टिकल डिवाइस को चलाने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे सोलर सेल चाहिए तो जाके वो किसी डिवाइस को रन कर सकता है। तो अभी फिलहाल क्योंकि करंट बहुत कम है, एक तो ड्रिफ्ट करंट है, माइक्रो एम्पियर का होता है, और हमें 1 एम्पियर का अगर चार्जिंग भी कराना है किसी मोबाइल की तो उसमें 10^6 ऐसे डिवाइसेस चाहिए, तब जाके यूज हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये एक लो कॉस्ट एनर्जी सोर्स नहीं है, इसकी रिसर्च लगातार जारी है जिससे इसको लो कॉस्ट बनाया जा सके। सोलर सेल का एप्लीकेशन क्या है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गया है। जल्दी हम लोग कैलकुलेटर में, स्पेस व्हीकल में और सैटेलाइट में, स्पेस व्हीकल और सैटेलाइट में कोई दूसरा तरीका है ही नहीं कि हम एनर्जी जनरेट करा पाए, तो वहां सोलर सेल ही यूज होते हैं। हाँ, अर्थ में क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन है तो हम इतना महंगा ऑप्शन नहीं यूज करते, लेकिन हाँ फिर भी आज के टाइम पे सोलर सेल का यूज होना काफी फ्रीक्वेंट हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह दे रही है, इस वजह से सोलर सेल का यूज कॉमन हो गया है। तो ये तीन ऑप्टो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस पढ़ने के बाद अब हम लोग ट्रांजिस्टर पे बात कर सकते हैं।